अच्छा एक बात बताइए कि नित्यानंद राय बोचा में भी घूमे थे कि नहीं, और इस समाजवादी धरती पर गलती से एक बार कमल खिल गया था। बिहार में सब कुछ नहीं चलेगा, बिहार में नीतीश और तेजस्वी का जोड़ी जो है चलता रहेगा और अपार वोट से जीतेगा। आप एक काम कीजिए, नरेंद्र मोदी को कहिए कि कल जान देकर ओवैसी जी को प्रधानमंत्री बना दे, हम भी वोट देंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है, इस वक्त हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं, विधायक हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, क्या स्थिति लग रही है? बहुत अच्छा स्थिति है, जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है महागठबंधन के तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है और अच्छे वोट से हम जीतेंगे, बोझा का रिकॉर्ड यहाँ तोड़ेंगे। अच्छा, नित्यानंद राय भी घूम रहे हैं लगातार, वो भी कैंपेन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी कमल खिलेगा, बाकी सबका सत्यानाश। अच्छा एक बात बताइए कि नित्यानंद राय बोचा में भी घूमे थे कि नहीं, वहाँ भी कमल खिला रहे थे, कमल जो है वो कादवे में रह गया, और यहाँ भी समाजवादियों की धरती है ये उड़न्नी, और इस समाजवादी धरती पर गलती से एक बार कमल खिल गया था, दोबारा कमल नहीं खिलने वाला है, इसलिए वो निश्चिंत रहे हैं। फिर बोचा से भी बुरा हाल यहाँ होने वाला है। अच्छा वो कह रहे हैं कि मोदी जी के नाम पर सब वोट दे रहे हैं। मोदी जी क्या है, प्रधानमंत्री के नाम पर? मुख्यमंत्री नहीं ना, विकास यहाँ कर रहा है नीतीश कुमार, विकास कर रहे हैं तेजस्वी यादव, नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं तेजस्वी यादव, बेरोजगारी की बात, कार्रवाई की बात, दवाई की बात, भ्रष्टाचार मिटाने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव। वो तो चार व्यापारी है गुजरात का, दो है बेचने वाला और दो है खरीदने वाला, नरेंद्र मोदी अमित शाह बेचने वाला कहाँ का है गुजरात का, अडानी अंबानी खरीदने वाला वो कहाँ का है गुजरात का। तो इस चार को जो बिकाऊ माल सब है, जो बेचने वाला खरीदने वाला, बिहार में ये सब कुछ नहीं चलेगा, बिहार में नीतीश और तेजस्वी का जोड़ी जो है चलता रहेगा और अपार वोट से जीतेगा। बीजेपी ये भी कह रही है कि हम गोपालगंज जीते हैं, यहाँ भी जीतेंगे आप लोग। अरे गोपालगंज में देखिए, अब हमारा कैंडिडेट वहाँ लड़ा, हम तो काफ़ी आगे ज़्यादा वोट लाए वहाँ, लेकिन सहानुभूति वोट थोड़ा होता है कि महिला थी आँचल बिछा बिछा के वोट मांगने लगी, और थोड़ा बहुत जो है हमारे लोगों के कारण जो है थोड़ा वोट इधर उधर हुआ ना, तो वहाँ भी जीते, वोट परसेंटेज तो मेरा बढ़ा वहाँ, मैं तो कभी गोपालगंज से लड़ा नहीं था, पहली बार लड़ा वहाँ, वोट परसेंटेज मेरा बहुत बढ़ गया। और ये तो राजद का दहा है, राजद का गढ़ है पुरन्नी, जिस समय लोकसभा था मुजफ्फरपुर मीनापुर और कुरहन्नी, तो मीनापुर और कुरहन्नी में कंपटीशन होता था, हम कहते थे कि हम ज़्यादा फिर जीतेंगे, कुरहन्नी वाले कहते थे हम ज़्यादा फिर जीतेंगे, तो बोचा हम जीता है, फिर कुरहन्नी के लोग कह रहा है बोचों फिर ज़्यादा फिर जिताएंगे, होगी बिल्कुल जीत होगा और 20,000 से ऊपर वोट से जीतेगा। फिर मैं कह दिया आपको, पूरी ताकत लगा रहे नित्यानंद राय, एक मुश्त जो है हमारा संगठन जो है राष्ट्रीय जनता दल का, जितने भी लोग हैं कार्यकर्ता हैं वोटर है महागठबंधन का, सब यूनाइट हो गया है और सब महागठबंधन को वोट देगा। ओवैसी की पार्टी ने गोपालगंज में खेल बिगाड़ा था, यहाँ पर भी खेल बिगाड़ा। आप एक काम कीजिए, नरेंद्र मोदी को कहिए कि कल जान देकर ओवैसी जी को प्रधानमंत्री बना दे, हम भी वोट देंगे। वोट दीजिए, हाँ देंगे। नरेंद्र मोदी को कहिए है दम, पीछे से हमारा वार नहीं करे, हमको कमजोर करने का साजिश एक तरफ जो है, जैसे किया नहीं चिराग पासवान को, नीतीश कुमार को कमजोर करने के लिए बीजेपी ने षड्यंत्र रचा कि हर जगह चिराग पासवान से कैंडिडेट दिला दिया कि नीतीश कुमार को ध्वस्त किया जाए, बाद में चिराग का घर तोड़ा। ये साजिश थी कि नहीं नरेंद्र मोदी की, कि जहां जहां जदयू का उम्मीदवार होगा वहां वहां हम कैंडिडेट देंगे, मतलब कि नीतीश कुमार के साथ रह के धोखा किया। नीतीश जी जो है किसी तरह से बचे, अब वो साजिश चल रही है कि पीठ पीछे राजद को कमजोर करना। मैं दावे के साथ कहता हूं, नरेंद्र मोदी का हैसियत है प्रधानमंत्री से रिजाइन दे दे और ओवैसी साहब को जो है प्रधानमंत्री घोषित कर दे, हम भी साथ हैं, नहीं तो खेल खेलना बंद करे, बिहार का मुसलमान बुझ गया है, नहीं तो आज सत्ता में तेजस्वी यादव पूर्ण बहुमत में रहते, आज यहाँ का मुसलमान भी अब समझ रहा है कि नहीं ये ओवैसी साहब का ये गलत नीति है, इसलिए उनके नीति पर कोई नहीं जा रहा है। पूर्व विधायक भी है सुरेंद्र यादव जी, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है कुड़न्नी में घूम रहे हैं? कुड़न्नी में हम लोग 10 दिन से घूम रहे हैं, यहाँ जो स्थिति बनी हुई है उसमें भाजपा कहीं नहीं है, महागठबंधन के जो उम्मीदवार हैं मनोज कुशवाहा जी, जिनको लालू जी नीतीश जी और तेजस्वी जी ने उम्मीदवार बना करके यहाँ उतारा है, एकदम समा बंध गया है, यहाँ कोई लड़ाई नहीं लग रहा है, हम लोग तो दरवाजे जा रहे हैं, और जहाँ पर ये लोग रिमोट उठाए हैं उस सारा महागठबंधन के जो लोग हैं समर्थक हैं कार्यकर्ता हैं वोटर है एकजुट है। ये छोटी छोटी बात को कहीं इंटरव्यू लेके चला देना भाजपा का तो काम है, कोई नाराजगी नहीं है ना? कोई नाराजगी नहीं है लोगों में, कोई नाराजगी नहीं है, सीधा वो लोग देख रहे हैं कि हम लोग को यहाँ सीधा लड़ाई जो है प्रदेश का लड़ाई देश से है, और यहाँ तो गठबंधन ऐसा बन गया है कि भाजपा कहीं दिखाई नहीं देगा। अच्छा
यादव इलाकों में नाराजगी भी है प्रत्याशी को लेकर, ऐसी कुछ है क्या? अरे तो नाराजगी नहीं रहता है, एगो बाप के चार गो बेटा रहता है तो वहू में से एक दुख नजर मतलब दुखी रहता है। नाराजगी थी क्योंकि उस समय वो हमारे गठबंधन के लोग में नहीं, गठबंधन में नहीं थे, हमारे विरोध में थे, स्वाभाविक है कि कुछ क्रियाकलाप उनका हुआ होगा। लेकिन यहाँ तेजस्वी जी के नाम पर सारे यादव लोग एक हो गए हुए हैं कि भाई तेजस्वी जी को हमको मजबूत करना है, भागे हम भविष्य अपना देख रहे हैं, इसलिए कहीं कोई टूट नहीं आया। कैंडिडेट को छोड़ के सब लोग हम लोग तेजस्वी को देख रहे हैं। आपने दिखाई दे रहा है महागठबंधन में जो 7 पार्टियां हैं और 7 पार्टियां में जो एकजुटता है उसके आधार पर यहाँ के वोटर भी गोलबंद हो रहे हैं, ये सच्चाई है। तो आपने सुना कि राजद नेताओं ने क्या कुछ कहा, साफ साफ जीत का दावा किया है, इन्होंने नित्यानंद राय को कह दिया है कि अब वो पूरी ताकत लगा लें, लेकिन यादव एकजुट हो गए हैं, तेजस्वी यादव का साथ देंगे। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।